लग जा गले के फिर हसीरा। स्वर को किला लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक सेकेंडो सुरीले और सदाबहार गीत गाए हैं। भारत की गौरव माने जाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने गानों को लेकर बहुत ही सिलेक्टिव रहा करती थी। वे इस बात का ध्यान रखती थी कि उनके गानों में किसी भी तरह का हल्कापन या अश्लीलता नहीं हो। चुन चुन कर गीतों को गाने वाली लता सेंसुअस गानों को लेकर भी काफी सतर्क रहा करती थी। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब, काटा लगा हाय लगा, छलिया रे ना बुझे। लेकिन लता मंगेशकर से एक ऐसा गीत गवा लिया गया जिसके लिए खुद लता मंगेशकर को जीवन भर पछतावा रहा। खुद लता मंगेशकर ने उस गाने को अपने जीवन का सबसे अश्लील गाना मानती रही और कहा जाता है कि इस गाने को गाने के बाद वह रो पड़ी थी। कौन सा है वह गाना और वह गाना कैसे बनाया गया? जब यह गाना इतना अश्लील था तो लता मंगेशकर उस गाने को कैसे और क्यों गाया? कैसे रिकॉर्ड हुआ वह गाना? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट कनिष्का रजौरा इस बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गीतों पर आज भी देश को नाज है, लेकिन लता मंगेशकर ने अपने जीवन में एक ऐसा गीत गाया जो उनके लिए जिंदगी भर का नासूर बन गया। यह गाना था सन 1964 में आई शोमेन राज कपूर की फिल्म संगम का। इस गाने के बोल हैं, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं बुढ़ा? हाँ बुढ़ा। मैं का करूं राम। इस गीत का संगीत दिया था सबसे सफल संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने, जबकि इस गीत को लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी ने। फिल्म संगम जैसे ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई, लता दीदी की आवाज में रिकॉर्ड किए गए और वैजयंती माला पर फिल्माए गए फिल्म के इस गाने ने उस जमाने के नौजवानों और बुजुर्गों की जुबान पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि तब के जमाने की महिलाएं और लड़कियां उस गाने को सुनकर शर्माती थी और लज्जत महसूस करती थी। फिल्म संगम के सिनेमा घरों में रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही उड़ते उड़ते यह खबर लता दीदी के कानों तक भी पहुंच गई कि उस गाने को लेकर लड़कियां और महिलाएं असहज महसूस कर रही हैं। इसके बाद लता दीदी ने उस गाने के पिक्चराइजेशन को देखने का फैसला किया। उन्होंने जब उस गाने का फिल्मांकन देखा तो उनके मुंह से बस इतना ही निकल सका था, उफ गजब हो गया, यह मैंने क्या कर डाला। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया गाने का पिक्चराइजेशन शादीशुदा नायिका वैजयंती माला पर किया गया, जो फिल्म में पति बने राज कपूर को रिझाती लुभाती और उनसे छेड़छाड़ करते हुए कहती हैं, मैं हो गई बदनाम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय का करूं राम मुझे बुढ़ा। इस गाने के पिक्चराइजेशन से लता मंगेशकर काफी नाराज हुई थी। कई वर्ष बाद वर्ष 2013 में एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए लता मंगेशकर ने संगम के इस गाने को याद करते हुए बताया, मुझे अच्छी तरह याद है कि राज कपूर मेरे पास मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया गाने का प्रस्ताव लेकर आए थे, तो मैंने साफ मना कर दिया था। तब उन्होंने इस गाने के बारे में बताया कि एक पत्नी अपने पति के लिए यह गाना गा रही है। लता मंगेशकर आगे बोली थी, मैं अपने गाने पर फिल्माए गए सीन को नहीं देखना चाहती हूँ। सब
बताया जाता है कि जब संगीतकार शंकर जयकिशन जी ने लता मंगेशकर को इस गाने के बोल सुनाए थे, तभी लता मंगेशकर ने उस गाने को गाने से साफ मना कर दिया था। लता दीदी ने कहा था कि गाने के बोल बचकाने और भद्दे हैं। इस पर राज कपूर और फिल्म से जुड़े सारे लोगों को मानो सांप सूंघ गया हो। लेकिन राज कपूर ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों को आश्वस्त किया कि वह निराश ना हो, मैं लता जी को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद राज कपूर ने लता मंगेशकर को समझाने की काफी कोशिश की। राज कपूर ने कहा कि यह गाना फिल्म में सामान्य तरीके से फिल्माया जाएगा। लता मंगेशकर ने राज कपूर के इस आश्वासन के बाद थोड़ी नरमी तो दिखाई, परंतु दिल दिमाग से वह उस गाने को तैयार नहीं थी। उनसे यह गाना भी बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ी में रिकॉर्ड करा लिया गया। गाने की रिकॉर्डिंग हुई और गाने का पिक्चराइजेशन वैजयंती माला और राज कपूर पर संपन्न हुआ। लेकिन उम्मीद के उल्ट यह बचकाना और भद्दा माने जाने वाला यह गाना हिट साबित हुआ और इस गाने तथा गानों की बदौलत फिल्म संगम म्यूजिकल सुपरहिट फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए संगम को कुल 11 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था और 3 विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड भी मिले। अपार सफलता, बम्पर बिजनेस और कामयाबी का परचम लहराने के बाद भी लता मंगेशकर की सोच पर खास असर नहीं हुआ। लता मंगेशकर इस गाने के पिक्चराइजेशन से ऐसी नाराज हुई कि उन्होंने राज कपूर की अगली फिल्म मेरा नाम जोकर में गाने से मना कर दिया था, जो साल 1970 में रिलीज हुई थी। हालांकि राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म बॉबी के गानों को गाने के लिए लता मंगेशकर को मना ही लिया। तो दोस्तों, आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इस गाने को अश्लील या हल्का मानते हैं? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों और गीतों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।